Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, in the last class, I taught you about the use of had been and since form. Okay friends, and today I will teach you all forms of the past perfect tense. जैसा कि पहले से मैं हर टेंस का सभी वीडियो बनाने के बाद लास्ट में एक ऑल फॉर्म्स ऑफ दैट टेंस बनाता हूँ, तो आज भी वही मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का ऑल फॉर्म, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए एक ही वीडियो में कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक आते हैं और क्या क्या किस तरह के सेंटेंसेज आते हैं, एक ही वीडियो में आप पूरा देख सकें, रिविजन हो जाए आपका. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. Yes, come, let's wake her up. Come, she is sleeping. Now she is sleeping. Hey, get up, Surekha. Yes, Daddy, get up. Come and play with us. But I am playing. What? Hey, you are not playing, you are sleeping. No, I am playing with Jumbo. Who is Jumbo? The baby elephant. Where is he? Flying in the sky. What? Flying in the sky, sitting on a cloud. What is he doing? Catching the stars. And what are you doing there? I'm sitting on Jumbo. I'm putting the stars in my pocket. Oh ho! You are dreaming. Friends, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा. ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ मैं और आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए. मैं खासकर ये वीडियो ये सोचकर बनाना शुरू किया ताकि वैसे भी लड़के हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास मनी अवेलेबल नहीं है किसी क्लास को ज्वाइन करने के लिए, या उनके पास मनी है तो टाइम नहीं है उनके पास कि किसी क्लास को ज्वाइन करके और उतना टाइम दे और क्लास अटेंड करे. तो वैसे लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया जिनके पास ना टाइम है और किसी लोगों के पास पैसे नहीं है जो क्लास ज्वाइन कर सके, तो वो लोग घर बैठे अपने मोबाइल पे, मोबाइल तो सबके पास है, जिनके पास पैसे नहीं है वो भी कहीं ना कहीं से मोबाइल खरीद कर और नेट चलाते ही चलाते हैं, तो नेट पर बस 10 मिनट कहीं से भी घर पर बैठ के, और कहीं भी कंपनी में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, वो जहाँ पर भी हो वहीं से वो इंग्लिश सीख सकते हैं. और यकीन मानिए दोस्त कि अगर आपने हमारा जीरो से, जहाँ से शुरू किया है वहाँ से आपने रेगुलर वीडियो, हर वीडियो देखा और जो भी उसमें होमवर्क्स और टास्क दिए जाते हैं उसको आपने पूरा किया और जो भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है इंग्लिश सीखने के, कोई भी लैंग्वेज सीखने के, वो आपने किया, तो आप इंग्लिश बोलना ज़रूर सीखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे. ठीक है फ्रेंड्स, हम फटाफट करते जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. ऑल फॉर्म्स है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सेंटेंस लिखूँगा कि किस टाइप के सेंटेंसेज मैंने पास्ट परफेक्ट में आपको पढ़ाया था और कितने टाइप के सेंटेंसेज और किस तरीके से बनाए जाते हैं, बस ये फटाफट मैं करते जाऊँगा. आप रिवीजन आपका करना है बस. मेरे आने से पहले वह काम शुरू कर चुका था, तो आपको जैसे कि मैंने बताया था यहाँ से शुरू करते हैं और ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा. तो ही हैड started work before I came. ठीक है फ्रेंड्स, इसका नेगेटिव अगर हम बनाते हैं, नेगेटिव तो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखते हैं. He had not started work before I came. ठीक है फ्रेंड्स, इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्या वह मेरे आने से पहले काम शुरू कर चुका था, क्या वह मेरे आने से पहले काम शुरू कर चुका था, इस तरह का होगा इंट्रोगेटिव. तो हैड ही स्टार्टेड वर्क बिफोर आई केम. ठीक है फ्रेंड्स,
अभी इधर जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा कर रफ कर देते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने सेंटेंस लिख दिया है कि तुम्हारे पहुंचने से पहले वह क्यों नहीं आया था। तो हम जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं कि यहां से शुरू करेंगे, व्हाई हैड ही नॉट कम बिफोर यू रिस्ट सेकेंड फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरा सेंटेंस है, मेरे घर से निकलने से पहले वह कहाँ चला गया था। तो हम कहाँ चला गया था, वह कहाँ चला गया था, इसे शुरू करेंगे। वेयर हैड ही गॉन बिफोर आई स्टार्टेड फ्रॉम हाउस, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम दोनों ही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये सेंटेंस मैं लिख चुका हूं, मेरे आने के बाद वो गया। इसमें दोनों के दोनों सेंटेंस, मेरे आने के बाद और वो गया, दोनों के दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसने गाने से पहले अपना गला साफ किया, तो उसने गाने से पहले अपना गला साफ किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक काम खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हुआ, तो उसको हम दोनों ही सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। इसको भी वैसे ही बनाएंगे, मेरे आने के बाद वो गया, तो ही वेंट आफ्टर आई केम, ही वेंट आफ्टर आई केम, उसने गाने से पहले अपना गला साफ किया, तो ही क्लियर्ड हिज थ्रॉट बिफोर ही सिंग सेकेंड फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सेंटेंसेस मैंने लिख कर रखा है, उसने कभी ताजमहल नहीं देखा था, एक एक करके बनाते जाते हैं। ये है एडवर्ब वाला जिसमें एडवर्ब आते हैं, ठीक है। ही हैड नेवर सीन ताजमहल, ठीक है फ्रेंड्स। मैं बहुत पहले ही वहां पहुंच चुका था, आई हैड रिस्ट देयर मच अर्लियर, आई हैड रिच देयर मच अर्लियर, बहुत पहले के लिए, और सिर्फ पहले ही आएगा, जैसा इसमें है कि वह पहले ही कविता याद कर चुका था, तो ही हैड ऑलरेडी लर्नड द पोयम, ठीक है फ्रेंड्स। यह हुआ एडवर्ब वाला। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी क्या था, हैड बिन और सिंस फॉर, ठीक है। उसने 10 साल देश की, ये मैंने 3 सेंटेंसेस लिख रखा है और तीनों सेंटेंस में इसमें बिन वाला है, हैड बिन वाला है, और इसमें बिन नहीं लगता बट सिंस और फॉर लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बनाते चलते हैं, ही हैड सर्व्ड द कंट्री फॉर 10 ईयर्स, ठीक है फ्रेंड्स। ही हैड सर्व्ड द कंट्री फॉर 10 ईयर्स, इसमें सर्व इज द वर्ब, वर्ब है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर सेंटेंस में वर्ब हो, वर्ब की अगर चर्चा हो रही है तो वर्ब है उसमें, तो सिंस फॉर लगाएंगे बट उसमें बिन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वही सेंटेंस है, इसमें सर्व जो है वर्ब है, वह 4 सालों से टीचर था, इसमें वर्ब नहीं है, वह 4 सालों से टीचर था, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। तो ही हैड बीन टीचर फॉर 4 ईयर्स, ठीक है।
मैं सोमवार से बीमार था तो आई हैड बीन इल सिंस मंडे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका रिवीजन हो गया होगा अच्छी तरह से, कि ऑल फॉर्म्स ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या क्या था, क्या क्या आपने पढ़ा था अभी तक, आपने क्या क्या वीडियो देखा था, वो सारा का सारा चीज़ मैंने एक ही वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की। और उम्मीद करता हूँ कि आपका पूरा रिवीजन हो गया होगा, याद आ गया होगा वापस कि क्या क्या टॉपिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब तक का वीडियो हमारा देखने के लिए थैंक्स, और थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।